हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीत रावल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमें देखना है प्रोग्रामिंग सी के अंदर जो है लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। आप यहां पे देख रहे हो जो टाइटल है हमारा प्रोग्राम का, वो है लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? जो फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, वो होता है लोकल, यानी फंक्शन के तक ही वो सीमित होता है। हम फंक्शन के बाहर उसका यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जो डिक्लेयर हम करते हैं फंक्शन के बाहर, और वो हर एक जगह भी यूज़ होता है, यानी हर एक फंक्शन में भी वो काम करेगा और फंक्शन के बाहर भी काम करेगा। तो ये दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों को, और उनको इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले वर्क कौन करता है और उसके बाद कौन वर्क करता है, यानी कि दोनों अगर एक साथ यूज़ करें तो उनका आउटपुट भी क्या आता है, वो भी देखेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे सॉरी इंटीजर ए, तो दोस्तों ये हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल। और मैं यहाँ पे void फंक्शन के अंदर एक मेन के अंदर, सॉरी void इज नॉट अ फंक्शन, मेन हमारा फंक्शन है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर b इज इक्वल टू 5, और हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्रिंट करते हैं। Def p is equal to %d and a and printf b is equal to %d and b. Okay, slash n, new line add करते हैं दोस्तों इसके अंदर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। ओके, फिर भी हम इसको आउटपुट लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल को, और अगर उसको हम वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते, यानी उसको इनिशियलाइज नहीं करते वैल्यू के साथ, तो हमें गार्बेज वैल्यू के साथ उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल के साथ होता क्या है। इसको प्रोग्राम के साथ पहले रन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, जीरो एरर। ओके, तो इसको रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है। देखो, हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया वो इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो जीरो ले ली। तो आपको याद रखना है कि अगर ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन, यानी किसी भी वैल्यू के साथ नहीं डिक्लेयर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या ले लेगा प्रोग्रामिंग सी के अंदर, वो होगी जीरो। तो ये जीरो वैल्यू है और बी की वैल्यू हमने जो डिफाइन की थी ये है। चलो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू हम निकाल देते हैं और देखते हैं कि बी की वैल्यू में क्या आंसर आता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बी की वैल्यू का जो आंसर है वो हमें मिलना चाहिए, वो होना चाहिए गार्बेज वैल्यू। तो इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले, वापस इसको डिबग करते हैं, उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू हमने डिक्लेयर नहीं की वापस, फिर भी उसकी ए की वैल्यू जो है वो जीरो बता रही है। लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू हमने डिक्लेयर नहीं की, हमने यहाँ से बी की वैल्यू को निकाल दिया, तो ये 57 आ रही है। तो ये है गार्बेज वैल्यू। तो लोकल वेरिएबल के साथ क्या होता है कि लोकल वेरिएबल की अगर वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते तो वो गार्बेज वैल्यू देगा हमें, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के अंदर अगर हम वैल्यू को डिक्लेयर भी नहीं करते तो भी वो हमें जीरो वैल्यू देगा, इनिशियलाइज करेगा, यानी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज अपनी वैल्यू कर देता है विद द जीरो, यानी जीरो के साथ ही वैल्यू इनिशियलाइज करता है। इसमें थोड़ा और देखते हैं, इसके अंदर वापस से बी की वैल्यू हम वही कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 5। सेम टू सेम अगर हम ए को यूज करना है और बाहर को एक फंक्शन भी लेते हैं कोई भी किसी भी तरह का, तो उस फंक्शन को हम रन करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं इसके अंदर void display, एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले नाम का, और उसका काम रहेगा सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए void display, और उस फंक्शन के अंदर हम इसी वैल्यू को प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को, और उस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इस तरह के फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं,
और यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, ये डिस्प्ले करेगा ए की वैल्यू को और वो यहाँ पर प्रिंट करेगा यहाँ पर इसकी जगह पे, तो ए की वैल्यू वापस हमें जीरो मिलनी चाहिए। इसको डीबग भी करते हैं, साथ में रन भी करते हैं, चेक करते हैं कि आंसर मिलता है हमें आउटपुट। तो वापस ए की वैल्यू जीरो, यहाँ पे बी की वैल्यू फाइव मिल रही है और वापस हमने ये ए की वैल्यू आ रही है फंक्शन से, डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन बना है तो वहां से आ रही है, तो यहाँ पे बता रहा है। ओके, अब लोकल वेरिएबल जो है वो बी की वैल्यू वो है वो डिस्प्ले के अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये लोकल है सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर काम नहीं करेगी। इसको चेक करके देख लेते हैं, वापस मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ बी की वैल्यू को और यहाँ पर रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर एरर क्रिएट करेगा। ओके, और एरर वही रहेगी कि आपने डिक्लेयर तो किया नहीं बी की वैल्यू को यहाँ पर इसके अंदर। इसको क्लोज करते हैं और इसको वापस इसको डिबग करते हैं। तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी, एरर कौन सी आती है, तो यहाँ पे एरर आती है बी इज अनडिक्लेयर्ड। ओके, यहाँ पे आपने बी को डिक्लेयर नहीं किया जो फंक्शन के अंदर लाइन के अंदर बता रहा है, लाइन नंबर 16 के अंदर एरर बता रही है और ये एरर है लाइन नंबर 16 पे यहाँ पर, जो बी को हमने डिक्लेयर नहीं किया। ओके, तो ये क्या था कि बी जो है वो लोकल वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बी को डिक्लेयर करता हूँ तो नया वेरिएबल रहेगा इंटीजर बी इज इक्वल टू 9, तो ये भी बी वेरिएबल है दोनों का, भले ही हमने नाम सेम दिया हो। यहाँ पे लोकल वेरिएबल में बी वेरिएबल है और यहाँ पर डिस्प्ले जो वेरिएबल है लोकल जो फंक्शन है यहाँ पर भी लोकल वेरिएबल है बी डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पर भी ये बी है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये बी जो है सिर्फ मेन के लिए है यानी यहाँ तक सीमित है, और ये जो बी है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए तक सीमित है, यानी दोनों अलग अलग है। अगर इसको हम रन करते हैं दोनों की वैल्यू हमें अलग अलग मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो जो पहला मेन फंक्शन रन को, उसके बाद बी इज इक्वल टू फाइव, उसके बाद डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसमें ए की वैल्यू जीरो है बाय डिफॉल्ट, यानी ग्लोबल वेरिएबल था इसलिए, और वापस बी की वैल्यू 9 प्रिंट करता है। ओके, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हमने इसको डिफाइन किया। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अगर हम सेम वेरिएबल लेते तो क्या होता, यानी कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ अगर मैं ए जो है बी की जगह पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए इज इक्वल टू 7, यहाँ पे हम ए की वैल्यू प्रिंट सॉरी ए की वैल्यू ले रहे हैं 7 और सेम टू सेम यहाँ पर भी एक नया वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। तो अब दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा इसके अंदर, इस कंपाइलर के अंदर, यहाँ पर हमने ए को डिफाइन तो किया है यानी इसको डिक्लेयर किया है विद जीरो वैल्यू के साथ, ग्लोबल है तो बाय डिफॉल्ट जीरो की वैल्यू के साथ डिक्लेयर होता है, और यहाँ पर हमने ए को डिक्लेयर किया। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि दोस्तों कि यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप उसमें गैस करके मुझे बताना कि जो ए की वैल्यू जो है वो कौन सी प्रिंट होगी, 7 प्रिंट होगी या 0 प्रिंट होगी। ओके, सेम टू सेम यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 10 प्रिंट होगी या 0 प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया वो वैल्यू कौन सी है, 0 है, और जो यहाँ पर डिक्लेयर किया मेन के अंदर वो वैल्यू 7 है, और जो डिस्प्ले के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया वो है वैल्यू 10। तो इसको रन करते हैं वापस, पहले बंद करते हैं आउटपुट को अपने को और इसको रन करते हैं। ओके, तो सी गाइस यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर आउटपुट के अंदर इज इक्वल टू दैट इज 7 यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल 10, यानी ग्लोबल जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको चांस नहीं मिला। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो लोकल वेरिएबल को मिलेगी, भले ही सेम नाम का ग्लोबल वेरिएबल हो। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल की इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी लोकल वेरिएबल को, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलेगी प्रिंट करने के अंदर। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 20 डिक्लेयर करते हैं तो फिर भी वो आउटपुट हमें यही देगा जो अभी हमारे सामने प्रिंट हुआ है। वापस इसको रन करते हैं। ओके, इक्वल टू 7, इक्वल टू 5, इक्वल टू 10, इक्वल टू 9। ओके, वापस हमें ये आउटपुट हमें वही दे रहा है जो हमने पहले भी रन किया था, लेकिन ए की वैल्यू 20 प्रिंट नहीं हुई। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, हम इसको कमेंट में लाइन में रख देते हैं, ये कमेंट लाइन इस तरीके से कलर किया हुआ मैंने, अगर इसको कमेंट में रखते हैं तो हमें आउटपुट कुछ डिफरेंट मिल सकता है इसके अंदर। सी
सी गाइस, तो यहां पर ए की वैल्यू जो 7 है लोकल वेरिएबल प्रिंट हुआ, बी की वैल्यू 5 प्रिंट हुई, और यहां पर डिस्प्ले नाम के अंदर जो फंक्शन है हमने इसको कमेंट कर दिया, तो यहां पर ए की वैल्यू जो थी वो जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया था वो वैल्यू यहां पर प्रिंट हुई। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ ये डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। ओके, बस ज्यादातर प्रायोरिटी हम इसमें लोकल वेरिएबल को देते हैं। अगर लोकल वेरिएबल पहले आता है, अगर डिक्लेयर किया है आपने, तो वो पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसमें कुछ डाउट है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं यहाँ पर, और मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट में भी इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।